टू अनदर व्लॉग। सो गाइज, अभी मॉर्निंग से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ, बट मैंने चाय पी लिया है, मतलब उठ गई थी। अभी मुझे हो गया है 20 मिनट जितना सो के उठे हुए। बच्चे अभी भी सो रहे हैं और रात को मुझे काफ़ी लेट हो गया था सोते टाइम। देख सकते हैं स्वेलिंग हो गई है पूरी ना, क्योंकि रात को हम लोग कर रहे थे फन चैलेंज वाला वीडियो शूट कर रही थी मैं बच्चों के साथ, तो वह बहुत लेट हो गया था। फिर एडिटिंग करते करते और भी ज़्यादा लेट हो गया था, तो अभी लेट सो के उठी हूँ। तो अभी अराउंड 7:30 के करीब बज रहे होंगे, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। एंड कैसे हैं आप सब लोग गाइस, एंड प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हैं, अगर पसंद आता है और कुछ भी चीज़ अगर वीडियो से रिलेटेड आप लोगों को पूछना है या कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चलता है कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, क्या क्या कॉमेंट आप लोगों के मन में सवाल चल रहे हैं। सो वही है ना। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत। सो गाइज, मैं हर व्लॉग में चाहती थी कि मैं इन लोगों को आपको दिखाऊं कि ये कितने ही बड़े हो गए, क्योंकि बहुत पहले मैंने इनके अंडे आप लोगों को दिखाया था। तो देख सकते हैं आप लोग, अब तो ये इतने बड़े हो गए कि अब ये कुछ दिनों में यहाँ से उड़ जाएंगे। तो कितना सेफ महसूस कर रहे हैं ये लोग यहाँ पर। पर मेरा तो इन्होंने देख सकते हैं क्या ही घर का हाल बना के रखा हुआ है बालकोनी का। तो ठीक है, जब तक ये लोग यहाँ पर है रहने देते हैं इनको। और ये है इनके मम्मी पापा, जो इनके लिए डेली सुबह शाम खाना लेके आते हैं और इनकी देखभाल भी करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। तो गैस, आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है आलू का पराठा। और अभी मैंने आलू जस्ट छील के रखा हुआ है साइड में, और 2-3 आलू ना मैं निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ कि दिन में मैं बनाऊँगी गोरखा चटनी, आलू का बनता है जो कि, सो वो बनाऊँगी। तो मैं और राहुल सिर्फ खाएंगे, तो 2 या 3 आलू से हो जाएगा हम लोगों को, और बाकी का मैं बनाऊँगी पराठा। तो अभी बच्चे तो सो रहे हैं, बट राहुल बोल के गए कि वो आ जाएंगे कितने बजे, 9:30 हाँ अब आने वाले होंगे, तो मैं फटाफट उनके लिए बनाती हूँ पराठा। और तब तक सो आलू तो मैंने पहले ही छील लिए थे, अब मैं पराठे के लिए यहाँ पर गूंद रही हूँ आटा। और आटा बहुत ही सिंपल है, इसमें नमक डाला है, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाली है, और 1-2 चम्मच मैंने यहाँ पर घी डाला है। और इसको अच्छे से मैं सॉफ्ट डो तैयार कर लूँगी, और इसके बाद फिर इसको मैं बनाएंगे हम लोग आलू के एकदम क्रिस्पी और एकदम फुले फुले पराठे। तो आप लोगों को तो आता ही होगा आलू का पराठा बहुत ही सिंपल रेसिपी, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई ऐसी रेसिपी यहाँ पर शेयर नहीं करी है। मैंने जस्ट बताया कि मैं आटा कैसे लगाती हूँ आलू का पराठा बनाने के लिए। वैसे मैं पूरी बुरी के लिए भी इस टाइप से ही गूंथती हूँ, बट उसमें थोड़ा सा मैं अजवाइन भी डालती हूँ, तो आज मैंने अजवाइन नहीं डाला है। तो ये 2 आलू मैंने अलग से रखे हुए थे, जो गैस के ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये दिन में आलू तिल की चटनी के लिए रखा हुआ है। तो वो रेसिपी आप पक्का देखना, बहुत ही चटपटी चटनी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर तो बन रहे हैं भाई मेरे आलू के एकदम बहुत ही बड़े बड़े रेस्टोरेंट स्टाइल पराठे, क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े बनाती हूँ, जिससे कि अगर 2 भी खाएंगे, वैसे तो 1 खाएंगे तो पेट भर जाएगा, पर जिनकी भूख ज़्यादा है, जैसे जो जेंट्स लोग होते हैं, हस्बैंड लोग होते हैं, तो उनको तो 2 तो लगेगा ही लगेगा, और बच्चों को 1 से भी हो जाता है। सो यहाँ मैं फटाफट पराठा बना रही हूँ। साइड बाई साइड विराज से भी बीच बीच में बातें करती जा रही थी। प्रत्युष इस टाइम पर सो रहा है और विराज बोर हो रहा है, तो वो मम्मी को किचन में आके डिस्टर्ब करता है और फिर मेरे साथ ही बातें करता है। वैसे मुझे अच्छा लगता है बीच बीच में जब वो आता है, तो अदरवाइज़ जब दोनों उड़ जाते हैं एक साथ, तो फिर उन लोगों को मम्मी नहीं चाहिए रहती है, फिर वो कमरे में ऐसा आतंक मचा के रखते हैं। मतलब अभी घर में ही है ना, तो मतलब पूरा घर का ऐसे ही हाल करके रखते हैं दोनों के दोनों। आजकल बहुत ज़्यादा शरारती भी हो रखे हैं। तो यहाँ पे मेरा फटाफट बन रहा है सबका पराठा। और वैसे बोलते हैं कि गिनती से नहीं बनाना चाहिए, बट यहाँ पे मैं बहुत जल्दीबाजी में जब मैं रहती हूँ, तो मैं तो सबका गिन गिन के बड़ा बना के रख देती हूँ। तो देख सकते हैं आप, ये पराठा जो है एकदम बढ़िया तरीके से फूल फूल के निकल रहा है यहाँ पर। और राहुल आने ही वाले होंगे, तो मैं अब थोड़ी देर में उनकी प्लेटिंग भी तैयार कर दूँगी। सो आज का जो ब्रेकफास्ट है वो आलू का पराठा है। एंड आज मुझे घर के भी बहुत सारे काम करने हैं, थोड़ा बहुत सेटिंग वगैरह करना है ठीक ठाक, क्योंकि बहुत दिन से जो ये पैकिंग का सिनेरियो चल रहा है, मेरा घर एकदम ही बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है, बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है कि बस
पूछो ही मत, हर जगह मुझे सिर्फ सामान ही सामान नज़र आता है। तो चलिए राहुल भी आ गए और मैं लगाती हूँ इनकी प्लेटिंग। तो ये मैंने आलू के पराठे के साथ सर्व किया उनके लिए, दही और चीनी मैं पहले पीस के रखती हूँ, तो दही और चीनी मैंने उनको दिया है और उसके बाद आलू का पराठा दिया सो है। गाइज, आज काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और मैंने अभी तक भी नहाया नहीं है, और क्योंकि मैं पूरा काम कर रही थी आज, क्योंकि बहुत दिन से पैकिंग चल रही थी तो घर थोड़ा मैसी ज़्यादा हो गया था और इधर से उधर सामान सब ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैंने आज सब जितने भी पैक किए हुए सामान है उनको मैंने एक जगह में लगाया है, तो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये सारा जितना भी सामान यहाँ पे दिख रहा है ये पहले इस कॉर्नर पे था, और ये जो डाइनिंग टेबल है ये इधर पे रखा हुआ था जहाँ से मैं खड़ी हूँ अभी, एंड ये सारा फिर मैंने एक कॉर्नर में रख दिया है इसको, एंड मतलब एक साइड रहेगा जितना भी मैस रहना है, अगर आपको ऐसे समझ में आए मैं इधर से दिखाती हूँ, तो एक साइड पूरा ऐसे मैस रहेगा और एक साइड थोड़ा सा बैठने वाला ठीक रहेगा ना, ताकि कोई आ भी सकता है वैसे तो, क्योंकि अभी तक पता ही नहीं है हम लोगों को जाना कब है, तो वही है। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि पैकिंग वैकिंग छुट्टी जाएंगे और उसके बाद आके फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा घर समेट के जा रही हूँ यहाँ पर। सो वही है, एंड बहुत टाइम लग गया आज, यहाँ पे फ्रिज भी रखा हुआ था इस कॉर्नर पे यहाँ पर इन्वर्टर के पास, जैसे कि आप लोगों को याद होगा ये मैंने सारा उतार दिया है, तो यहाँ पे फ्रिज रखा होता, फ्रिज मैं अभी किचन में ले गई, मैं किचन में रख दिया फ्रिज को, तो क्योंकि अभी इधर ही थोड़ा सा मैं उधर खाली करना चाह रही थी, तो ये किचन है, अभी खाना वाना कुछ बना नहीं है, जस्ट ब्रेकफास्ट करके फिर मैं ये काम करने लगी। देख सकते हैं पोछा का बाल्टी भी वहीं पे रखा हुआ है, मतलब सामान भी शिफ्ट कर रही हूँ और साइड बाय साइड पोछा भी लगाती जा रही हूँ। सो गाइज, आज बहुत ज़्यादा काम था और मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद आ गई हूँ। झाड़ू पोछा का मेरा सिलसिला शुरू हो गया है काम का एकदम, और मैंने जितने भी पैकिंग वाले सामान थे वो एक जगह रख दिए हैं, और बाकी इधर वाला जो एरिया है खेलने वाला बच्चों का उसको मैंने खाली कर दिया, क्योंकि विराज छोटा बच्चा है, वो घर में 24 घंटे कभी नंगे पैर घूमेगा कभी कुछ घूमेगा, तो मैं बार बार उसको नहीं टोक सकती हूँ। साफ़ सफाई का ध्यान मुझे ही रखना पड़ेगा कि बच्चा है छोटा, तो मुझे कैसे अपने घर को मेंटेन करके रखना है। सो वही सब कुछ है। एंड पोछा लगाते लगाते तुरंत राहुल का फ़ोन आ गया था कि मैं आने वाला हूँ तो तुम जल्दी से खाना भी रेडी करना। तो भाई, हम फौजी की वाइफ का यही सिलसिला होता है कि जैसे ही हस्बैंड का टाइम हो जाता है खाना खाने आने का घर में, तो चाहे सारे काम एक तरफ रख के हमें खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए घर में आते हैं, उनको बहुत शॉर्ट टाइम होता है उनके पास, तो हम लोगों को खाना जो है उनके टाइम के मुताबिक ही बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ फटाफट किचन में आई, और उसके बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज मुझे चटनी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो मैंने फटाफट सबसे पहले यहाँ पे दाल चढ़ा दी है, तो वो है। एंड इसके बाद अब मैं बनाऊँगी यहाँ पर गोरखा चटनी। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं तिल की चटनी बनाने के लिए। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे गैस पे चढ़ा दी है पैन, और पैन में मैंने डाला है तिल। तिल आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे कि मैं तो हम लोग तो 2 ही लोग हैं, तो मैंने कम तिल डाला है यहाँ पे, और इसको अच्छे से भूनना है। और तिल जो है पैन में डालते सर पटकने लगता है, उछलने लगता है, तो कपड़े की ऐसे हेल्प से आपको इसको चलाना है, दबाते रहना है, तो ये ज़्यादा उछलेगा नहीं। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रिक मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसी में 2-3 लाल मिर्च साबुत आप डाल देंगे तो वो भी अच्छे से रोस्ट हो जाएगा और कड़क कड़क मतलब हो जाएगा, पीसने में आसानी रहेगी। अब मैं यहाँ पे काट रही हूँ प्याज। प्याज को आपको ऐसे नॉर्मल से स्लाइसेस में काटना है, और जो बॉयल आलू है उनको आपको जैसे स्क्वायर होता है ना बड़ा बड़ा, उस टाइप में काटना है। तो दोनों को मैंने काट के रख दिया है यहाँ पर, और अब हम करते हैं इनको तड़का लगाने की तैयारी। तो तड़का लगाने के लिए मैंने पैन में डाला है सरसों का तेल, और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ पर आपको मेथी के कुछ दाने डालने हैं और उसमें तड़का लगाना है, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के, और हल्दी जब थोड़ी सी आपको लगे कि पक जाए तो उसमें वो आलू प्याज जो है उसको डाल देना है, और इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, मतलब ओवर कुक नहीं करना है, थोड़ा सा सौते करके इसको निकाल देना है। 2 से 3 बार आप इसको चलाएँगे, और ऊपर से नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल के इसको साइड करके रख देंगे। अब हम पीसेंगे यहाँ पर तिल। इसमें हमने डाला है तिल, लाल मिर्च जो साबुत वाली होती है वो, पाउडर वाली भी डालेंगे हम, और नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। और अब हम इसको ग्राइंडर में अच्छे से पीस के एक पाउडर रेडी करेंगे, और इसको खूब अच्छे से पीसना है ताकि जो इसमें लाल मिर्च जो साबुत वाली डाले वो भी काफ़ी अच्छे से पीस जाए, वो तीखी है इसलिए मैंने उसको अलग से डाला है। तो ऐसे डालेंगे, और उसके बाद अब आपने जो ये आलू और प्याज सौते करके रखा हुआ था इसको एक बाउल में आपको ट्रांसफ़र करना है, और उसके बाद जो ये पाउडर है उसको डालना है। तो आलू प्याज मेरा यहाँ पे थोड़ा मुझे कम लग रहा था, तो इसीलिए मैंने अलग से खीरा काट के डाला है, ये ऑप्शनल है, खीरा आप स्किप कर सकते हैं, तो मुझे लग रहा था कि
अब वैसे खीरा डाल के भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो वो स्किप कर दीजिए। उसके बाद ये पाउडर डालना है और इसको काफ़ी अच्छे से चलाना है ताकि जितने भी वो तिल का जो पाउडर है वो आपस में मिल जाए। और इसमें अब आपको इसमें 2 नींबू अच्छे से निचोड़ना है ताकि जो इसका फ्लेवर है वो थोड़ा खट्टा फ्लेवर आए, चटनी वाला फ्लेवर, और बहुत ही अच्छे से इसको निचोड़ के और खूब अच्छे से इसको चलाना है। तो ये चटनी में ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, ये चटनी ऐसे ही खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो देख सकते हैं कलर कितना सुंदर आया है यहाँ पर, और मुझे लगा कि नींबू थोड़ा कम है तो मैंने ऊपर से और ज़्यादा इसमें डाल दिया नींबू। तो देख सकते हैं चटनी का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा खिल के आया है, बहुत सुंदर बना है, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। आप इसको पूरी के साथ भी खा सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ पर दाल चावल के साथ आज बनाया है इसको। तो ये हमारी गोरखा चटनी बहुत ही फेमस है, ये सिल रोटी के साथ भी खाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं आप लोग चटनी हमारी बनकर रेडी है, स्पेशल गोरखा चटनी। सो गाइस, चटनी के साथ साथ मैंने यहाँ पे फटाफट खाना भी रेडी कर लिया है। ये दाल है, दाल में मैंने जिंबूर का तड़का लगाया है और राइस भी बना ली है, और आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, दाल राइस और गोरखा चटनी, और मैंने यहाँ पे साइड में सलाद भी काट के रखा हुआ है। तो दैट्स इट गाइज, आज का इतना ही मेन्यू था दिन के खाने का। तो चलिए लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने राहुल के लिए खाना लगा दिया क्योंकि वो भी आ गए थे, तो अभी बच्चों के साथ मैं बाद में खाना खाऊंगी, तो पहले राहुल को जल्दी जाना है, तो इसलिए मैंने ये खाना उनके लिए लगा दिया। तो खाना बहुत ही सिंपल है, दाल चावल गोरखा चटनी दही और सलाद, और खीर खीर जो है वो मैंने एक दिन पहले बनाई थी, वो फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैंने वो भी दे दिया इनको खाने के लिए। सो राहुल आज जल्दी आ गए थे और उनको जाना भी था, तो इसलिए मैंने उनको पहले फटाफट खाना दे दिया है एंड बच्चों को, और अभी मैं जो है, मैं तो अभी नहाने के बाद ही खाऊंगी, तो अभी थोड़ी देर के बाद बच्चों को दे दूंगी खाना। और सो गाइस, दिन में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने खाना वाना खाया, नहाया धोया, उसके बाद रेस्ट किया। तो अभी ये इवनिंग का टाइम है और बच्चे गए हैं दोनों खेलने के लिए पार्क में, और मैंने इन दोनों को भेज दिया अकेले क्योंकि मैं थक गई थी, मैं सोच रही थी कि नहीं जाऊंगी, बट फिर भी मैंने अभी इनको बोला है कि आप लोग जाओ, मैं बाद में आती हूँ। तो ये दोनों जो है जा रहे हैं दोनों भाई मिलके शाम के टाइम में अपने अपने साइकिल लेके पार्क में। तो मैं ऊपर से विराज को बुला रही थी बाय कर रही थी उसको। तो आज का भी दिन जो है निकल ही गया, समझो शाम हो गई, यहाँ पर 6-7 बजने वाला है एंड 7 बजे के बाद ही धूप थोड़ी सी कम होती है। तो ये गए दोनों भाई खेलने के लिए, और मैं भी अब थोड़ी देर में नीचे जाऊँगी और फिर फटाक से ऊपर आ जाऊंगी, देखती हूँ कैसा दोनों रहता बच्चे है। खेलने गए। सो गाइज, अभी इवनिंग का टाइम है और मैं बच्चे पार्क जाके भी आ चुके हैं, मैं भी नीचे गई थी थोड़ी देर के लिए ऐसे टहलने के लिए गई थी, तो मैं भी आ चुकी हूँ। अब मैं बनाऊंगी रात का डिनर, और राहुल अभी नहीं आएंगे आज, वो वहीं पे सोएंगे। तो राहुल आज नहीं आएंगे, वो वहीं पे सोएंगे, तो उनकी ड्यूटी वहीं की है, तो वैसा कुछ है। और अब मैं बनाऊंगी डिनर, डिनर में कुछ खास ज़्यादा स्पेशल नहीं है, जो दिन का बचा है उसी को मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा, और बच्चों के साथ एंजॉय करूँगी। सो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिए, और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और स्टे ट्यून्ड गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।